हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट लव्ड बाइक रॉयल इनफील्ड के बेस्ट टायर के बारे में। रॉयल इनफील्ड ने पहला बाइक फोर सिलेंडर जो कि 1901 में इंग्लैंड में बनाया था, उसके बाद में 1954 में इन्होंने इंडिया में प्लांट सेटअप किया। काफी अप्स एंड डाउन के बाद में इंडिया में 70 लाख बाइकें रॉयल इनफील्ड इंडिया ने बेची है, और पिछला साल जो कि 2017 था इसमें रॉयल इनफील्ड ने 8 लाख गाड़ियां बेची है, जिसमें खुद में ही एक अच्छा रिकॉर्ड था। तो इस बाइक के लिए कौन सा बेस्ट टायर है, इसका रिव्यू तो बनता ही है। तो आज देखते हैं, ये सारे टायर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे रॉयल इनफील्ड में ही फिट होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग साइजेस है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो बनाया है मैंने रिसर्च करके बनाया है, कोई भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। दोस्तों, इस बाइक का इतना अच्छा मार्केट शेयर है तो सारी टायर कंपनियां इस बाइक का टायर बनाती है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, पीछे का जो साइज है 120/80/18, इसका ट्यूब आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। सो कोई भी कंपनी के लोग देख रहे हैं तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 120/80/18 का जो ट्यूब आता है 120/80/18 का ट्यूब मार्केट में अवेलेबल कीजिए, बाइकर को काफी दिक्कत हो रही है। दोस्तों, आप इस वीडियो से तो काफी एक्साइटेड होंगे कि अभी रवि मुझे बताएगा कौन सा अच्छा टायर है और वो टायर मैं उठा के मेरे बाइक में डाल दूंगा। दोस्तों, ये चीज नहीं है। दोस्तों, टायर चूज करने के पहले एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि आप कौन से रोड कंडीशन में गाड़ी का यूज करते हो, कौन से रोड कंडीशन में राइड करते हो, उस हिसाब से ही टायर को चूज करें। दोस्तों, तीन चीजों में इसको डिवाइड करूंगा, आप कहां पे बाइक चलाते हो, कौन से रोड कंडीशन में चलाते हो, उस हिसाब से आपको टायर को चूज करना है। आप अगर सिटी में चलाते हो तो टायर अलग रहेगा, आप अगर टूरिंग ज्यादा करते हो तो टायर अलग रहेगा, आप अगर लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हो या स्पीटी जाने का प्लान कर रहे हो या कोई ऑफ रोडिंग ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो तो उसके लिए टायर अलग रहेगा। तो कौन सा टायर कौन से कंडीशन में चलेगा ये देखते हैं। अभी बेस्ट टायर चूज करने के लिए कौन से रोड कंडीशन में कौन सा टायर चलेगा ये आज हम देखते हैं। दोस्तों, बेस्ट टायर क्या होता है? बेस्ट टायर ये होता है जो आपको ज़्यादा कंफर्ट दे, जो अच्छी ग्रिप दे, जो अच्छी ब्रेकिंग दे, अच्छी कॉर्नरिंग दे और अच्छी लाइफ दे। दोस्तों, मैंने तीन फेमस कंपनियों के टायर चूज किए हैं आपके लिए। एक है MRF मद्रास रबर फैक्ट्री का टायर है, एक दूसरा है मिशलिन और तीसरा है राल्को। ये तीनों टायर एज पर माय रिसर्च दे आर बेस्ट टायर्स फॉर रॉयल इनफील्ड। ये तीन कंपनियों ने कौन से अच्छे पैटर्न्स बनाए आपके लिए और कौन से रोड कंडीशन के लिए सूटेबल है ये आज वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं MRF टायर से। ये चारों टायर है ये MRF के है। ये ऊपर का पैटर्न जो है ये फ्रंट पैटर्न में आता है, रिप पैटर्न में। तो मैं इस टायर को दूंगा 6 out of 10। टायर इज नॉट दैट ग्रेट और नॉट गुड एज इधर, बट स्टॉक टायर आता है तो वी हैव टू राइड इट विद इट। ये है रियर टायर 3.5/19। ये रियर टायर लगता है पुरानी बुलेट में और इलेक्ट्रा के अंदर। काफी अच्छा टायर है, अग्रेसिव ट्रेड डिजाइनिंग है, टायर लाइफ अच्छा है। इसे आप सिटी में क्रूजिंग के लिए, रोड ट्रिप के लिए, इस टायर को आप ऑफ रोडिंग में भी यूज कर सकते हो। ब्लॉक्स काफी छोटे छोटे दिए हैं तो ऑफ रोडिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आप अगर ऑफ रोडिंग MRF डालना चाहते हो तो मो ग्रिप करके टायर आता है MRF का, दैट इज एन एक्सीलेंट टायर फॉर ऑफ रोडिंग। बट दिस इज ओवरऑल इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर सिटी राइडिंग, टूरिंग एंड समवे 10% ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छा है ये। दोस्तों, अब बात करते हैं जैपर पैटर्न की। दिस इज अ बेस्ट टायर फॉर टूरिंग एंड सिटी राइड। ऑफ रोडिंग के लिए इतना अच्छा टायर नहीं है, लेकिन आप अगर बाइक सिटी में चलाते हो या आप टूरिंग करते हो, हाईवे टूरिंग करते हो, सो दिस टायर काफी अच्छा ग्रिप है इसका, वेट ग्रिप भी अच्छा है इसका, काफी अच्छा माइलेज भी देगा आपको। थोड़ा हार्ड कंपाउंड है तो लाइफ भी अच्छी मिलेगी आपको, और प्लस जो अच्छी चीज है इसके अंदर कंफर्ट ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू नाइलोग्रिप एंड मो ग्रिप। सो कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू गो विद दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है दिस इज मेंट टू बी फॉर सिटी राइड, फॉर हाईवे राइड्स। ऑफ रोडिंग में अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो या अगर स्पीटी जा रहे हो तो ये टायर को मत चलाइए वहां पे। आप अगर श्योर हो कि आप सिटी में बाइक चलाते हो तो दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट टू गो फॉर। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, MRF इज नंबर वन इन इंडिया फॉर टू व्हीलर टायर्स, सो दिस इज अ बेस्ट प्रोडक्ट दे हैव मेड। जो आगे का टायर है दिस इज जैपर एंड दिस इज रियर टायर इज नाइलोग्रिप जैपर। सो नाइलोग्रिप इज अ वाई पैटर्न जैसा दिख रहा है आपको, सो इसके अंदर आपको वेट ग्रिप काफी अच्छी मिलेगी। दिस प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर क्लासिक 350। ये 350 और आप देख सकते हो थंडरबर्ड का भी जो रियर टायर है 110/90/18 है, तो उसमें भी ये जाएगा।
दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मिशलिन टायर की। मिशलिन टायर जो है ये काफ़ी अच्छा टायर बनाया है सिराक स्ट्रीट में मिशलिन ने। ये ब्लॉक पैटर्न टायर है, सो इट्स वेरी गुड फॉर टूरिंग एंड ऑफ रोड। अगर आपको पता नहीं है आप कहाँ राइड करने वाले हैं, सो आप इस टायर के साथ जा सकते हो, बिकॉज आप इसको ऑफ रोडिंग में भी चला सकते हो, सिटी में भी चला सकते हो, टूरिंग में भी चला सकते हो। जो ब्लॉक पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें, ये ब्लॉक पैटर्न आपको मट्टी वगैरह में अच्छा ग्रिप देगा, प्लस कच्चे रास्ते रहते हैं, काफी खड्डे वगैरह होते हैं, उसमें काफी कंफर्ट देगा। नॉर्मल रोड की बात करते हैं, सिटी प्रो अच्छा टायर है। सिटी प्रो मतलब सिटी, नामी सिटी प्रो है, तो ये दिस इज गुड फॉर सिटी, दिस इज गुड फॉर टूरिंग। ये टायर की जो आप देखेंगे इसमें वाटर इवैक्यूएशन काफी अच्छा होता है, वेट ग्रिप अच्छा मिलेगा, इसमें भी आपको वेट ग्रिप अच्छा मिलेगा। और जो मिशलिन ने जो टायर डिजाइन किया है, दिस इज टू गिव यू अ गुड कंफर्ट, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट विच आई हैव सीन। लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं, मोस्टली जो नई बाइक्स है उसमें 19 आता है, सो उसमें मिशलिन ने अभी तक टायर नहीं बनाया है, तो आप उसकी जगह पे 3.25 19 डाल सकते हो। 3.25 19 में शायद टायर ये आपके मड़गाड़ को टच कर सकता है, ये जो साइड का पोर्शन है यहाँ पे शायद वो टच कर सकता है, आप मड़गाड़ सेटिंग करके इसको फिट कर सकते हो। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। लाइफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, 25 से 30 हज़ार ईजिली चलेगा, हार्ड कंपाउंड है। आप अगर प्लान कर रहे हो स्पीटी जाने का, लेह लद्दाख जाने का, या कोई ऑफ रोडिंग डेस्टिनेशन के लिए, सिराक स्ट्रीट दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर ऑल द बाइकर्स। ये दो टायर जो है दोस्तों ये मिशलिन के हैं, मिशलिन सिटी प्रो और ये जो है सिराक स्ट्रीट फ्रंट टायर है। फ्रंट में अभी तक मिशलिन ने सिटी प्रो टायर नहीं बनाया है, तो आपको अगर सेट डालना है तो रियर आप सिटी प्रो डाल सकते हो, फ्रंट जो है आपको सिराक स्ट्रीट ही डालना पड़ेगा। सिराक स्ट्रीट में भी 19 नहीं मिलता है, तो आप उसकी जगह पे 3.25 19 डाल सकते हो। 3.25 19 जिसे हम बोलते हैं, 3.25 19 का जो टायर है आगे में दिक्कत दे सकता है काफ़ी बाइक्स में 500 cc में, सो आपको उसका जो मडगार्ड है उसका थोड़ा सेटिंग करना होगा। सो दोस्तों ये है मिशलिन का पेयर जो फ्रंट में जाता है, ये इसका अगर आप देखेंगे ब्लॉक पैटर्न और इसका ब्लैक पैटर्न दोनों मैच कर रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप ये 3.5 19 है, ये 3.25 19 है, ये पुरानी बुलेट में आप डाल सकते हो, और प्लस आप इसको इलेक्ट्रा में भी डाल सकते हो। ये मेरे खुद की गाड़ी में मैंने इंस्टॉल किया है। इसका वेट ग्रिप अच्छा है, राइडिंग कंफर्ट अच्छा है, आपको ग्रिप ड्राई ग्रिप भी अच्छा मिलेगा। आपको पता नहीं अगर आप ऑफ रोडिंग भी करने वाले हो, सो दिस इज अ गुड टायर, सिटी में भी अच्छा चलेगा, ऑफ रोडिंग में भी अच्छा चलेगा, और टूरिंग के लिए भी अच्छा चलेगा। अगर आप बीच राइड प्लान कर रहे हो, सो ये जो ब्लॉक्स है ये रेत के अंदर भी काफी अच्छा कंफर्ट देंगे, ग्रिप देंगे, सो दिस इज अ परफेक्ट टायर फॉर ऑल रोड कंडीशन, ऑल वेदर कंडीशन। दोस्तों हम अभी देख रहे हैं ये जो प्रोडक्ट है दिस इज राल्को जो प्रोडक्ट है, दैट इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ओवरऑल राल्को टायर इज अ गुड टायर, इट कम्स विद अनकंडीशनल वारंटी। अगर टायर कट जाता है, फटता है, तो प्रो डेटाबेसिस पे कंपनी इसको नया टायर देगी। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट काफी अच्छा है, दिस इज वेरी गुड फॉर ऑफ रोडिंग, और इसके दो फ्रंट के साइज है, दिस इज 19 19 19, दिस इज अ परफेक्ट टायर फॉर क्लासिक इलेक्ट्रा। सो दोस्तों इस टायर का नाम है स्पीड ब्लास्टर, राल्को स्पीड ब्लास्टर। ये ब्लॉक पैटर्न में आता है, फ्रंट और रियर ये देखिए ये दोनों एक जैसे टायर है। अगर आप ऑफ रोडिंग प्लान कर रहे हो तो इस दोनों को आप यूज कर सकते हो, अगर आप टूरिंग करते हो या सिटी में राइड करने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज अ फ्रंट बेस्ट टायर फॉर यू। प्राइस रेंज थोड़ा सस्ता है टायर, इसलिए इसका फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ओवरऑल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आप अगर इसको ड्राई ग्रिप भी अच्छा देगा, सिटी के अंदर भी कंफर्ट अच्छा देगा, ब्लॉक पैटर्न काफी अट्रैक्टिव करता है, अग्रेसिव डिजाइन है। दोस्तों अगर आप अलॉयज डालते हो, दिस इज वन ऑफ द कंपनी हुज मेकिंग अ ट्यूबलेस टायर, सो ये तीनों भी ट्यूबलेस टायर है। अगर आपको ट्यूब टाइप में फिटिंग करना है इसे, सो आप इसको इजीली फिट कर सकते हो। अगर आपका रिम वाला नॉर्मल स्पोक रिम वाला टायर है और आप प्लान कर रहे हो कि ट्यूब टाइप टायर डालने के लिए, इस टायर के अंदर आप ट्यूब डाल सकते हो, आपका पुराना ट्यूब भी यूज कर सकते हो या आप नया ट्यूब बाय कर सकते हो। ट्यूब के बारे में बात करूंगा दोस्तों, ट्यूब के काफी अलग अलग क्वालिटी के ट्यूब्स आते हैं। एक बुटाल ट्यूब आता है, बुटाल रबर का, बुटाल इज एन इंपोर्टेड रबर, एंड एक नेचुरल रबर का ट्यूब आता है, बुटाल रबर वी रेकमेंड, सो दैट इज अ गुड ट्यूब टू इंस्टॉल। अगर आपका कभी गाड़ी पंचर होता है या आप कभी ट्यूबलेस टायर डाल रहे हो, उसमें ट्यूब डालने का प्लान कर रहे हो, सो मेक श्योर कीजिए आप बुटाल ट्यूब डाले। बुटाल ट्यूब इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है बुटाल ट्यूब के लिए, जो थोड़े ही दिन में अपलोड हो जाएगा। अगर ऑफ रोडिंग में जाते हो तो मट्टी के अंदर ये अच्छा ग्रिप देगा, प्लस आप अगर
सिटी राइड कर रहे हो, सिटी राइड में भी जो ब्लॉक्स है ये काफी लंबे लंबे बड़े बड़े ब्लॉक्स है, सो इट विल गिव यू गुड कंफर्ट, कंफर्ट अच्छा मिलेगा, राइडिंग कंफर्ट अच्छा मिलेगा, ग्रिप भी अच्छा है ये टायर का। रबर क्वालिटी जो इसमें यूज हुई है थोड़ी सॉफ्ट है कंपेरेटिवली, सो आपको ग्रिप अच्छा मिलेगा, ड्राई ग्रिप भी अच्छा मिलेगा, वेट ग्रिप भी अच्छा मिलेगा। लाइफ के बारे में बात करेंगे, लाइफ थोड़ा कम है कंपेरेटिवली कंपेयर टू मिशलिन, लेकिन दिस इज अ प्रोडक्ट विच यू शुड थिंक अबाउट। आप अगर ऑफ रोडिंग डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हो, लेह लद्दाख हो गया, स्पिटी हो गया, या कोई ऑफ रोडिंग डेस्टिनेशन, सो उसके लिए ये बेहतरीन एक प्रोडक्ट रालको ने बनाया है। दोनों ये आगे के ये आगे का टायर है, ये रियर टायर है, ये पहली कंपनी है जो ब्लॉक पैटर्न में फ्रंट टायर बना रही है, और ये भी रियर भी ब्लॉक पैटर्न है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहता हूँ। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन, थैंक यू।